पुस्तकों पे मैंने एक नया सृजन किया है। कहानियों को मैंने मूल में तो लिया ही है, लेकिन उन मूल को आधार देते हुए मैंने एक नया सृजन का कार्य किया है, ये मैं कह सकती हूँ अपने आधार पे। बाकी आप शेष आपके ऊपर है, आप पढ़ें फिर मुझे अपनी टिप्पणी दें कि मैं कैसा कर पाऊंगी। बाकी इन कहानियों में मुझे लगता है कि एक तरह से अलग अलग फेज की कहानियाँ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रेम की भी कहानियाँ हैं, नवनीदी की कहानियाँ हैं, वहाँ कैसे आर्मी प्रोटेक्शन एक्ट का दुरुपयोग किया गया उसकी कहानियाँ हैं, वहाँ के ट्राइबल बेल्ट्स में जिस तरह की समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ रही है उस तरह की कहानियाँ हैं, प्रेम की भी कहानियाँ हैं। तो इन सारी कहानियों को समेटते हुए एक बुक का आधार दिया गया है। काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं, इसमें आपको जीवन के कई सारे फेज देखने को मिलेंगे, कई रंग हैं। इन रंगों को उकेर पाना अपने शब्दों के माध्यम से बड़ा दुष्कर कार्य था, मैंने किया। मैं चाहूँगी कि पहले, चूँकि हमारा ये चलता रहे, इस बीच मैं कुछ पाठ भी करना चाहूँगी। एक दो कहानियाँ जो मैंने अनुवादित की हैं उनके कुछ अंश मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूँ, तो ताकि आप पाठकों पर ये निर्भर पड़ेगा करेगा कि मैंने कैसा किया है। तो मैं एक कहानी लेती हूँ जिसका शीर्षक है सोनी। सोनी इसका शीर्षक है। ये एक प्रेम आधारित कहानी है जिसका मेन कैरेक्टर सोनी होता है। सोनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक खास तरह के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हमने बहुत बार सुना होगा नागा आंदोलन की कहानी है, नागा आंदोलन से वो जुड़ा रहता है और इस जुड़ाव में और इस तरह के आंदोलन में रत रहते हुए कैसे वो अपनी प्रेमिका को छोड़ता है, कैसे वो अपनी प्रेम की तिलांजलि देता है, इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो इसको अनुवाद करते हुए कई बार मैं कहूँ अपने व्यक्तिगत तौर पर, तो मेरी आँखें भर आई कई बार, क्योंकि कई सारे लम्हों में मैंने ये महसूस किया इन कई जगहों पे कि ये कहानियाँ बहुत मर्मस्पर्शी हैं और मैं स्वयं के भीतर उतर रही हूँ उन कहानियों के माध्यम से। तो मैं कुछ अंशों का पाठ करूँगी, आप देखेंगे सुने। ये कहानी संख्या 7 है, इसका कुछ अंश मैं पढ़ रही हूँ। सोनी एक ऐसा किरदार जिसने हमेशा किस्मत से ज़्यादा पाने की ख्वाहिश की और मुकद्दर से लड़कर अपने हिस्से का सुख छीन लाने का मादा रखा। एक ऐसा इंसान जिसमें जुनूनियत की हद तक जाकर किस्मत को चुनौती देने का जज्बा था और आज उसी जुनूनियत ने उसकी सांसें छीन ली। जाने कब वह उन तंग अंधेरी गलियों में अपने खोखले सपनों के पीछे बेतहाशा भाग रहा था और बस भागता ही जा रहा था, बेसाख्ता और बेलगाम, कभी न खत्म होने वाले एक सफर की तरह। मुझे याद है एक बार उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, माई डियर तुम नहीं जानती ये मेरे लिए ये सपने क्या मायने रखते हैं, शायद मेरे जीवन में तुम्हारे होने से कहीं बढ़कर। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है नागा आज़ादी, इसे पूरा करने के लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो झुकूंगा नहीं। जीवन के इस समर में मुझे अपनी आहुति डालनी ही होगी, चाहे खुद को मिटाना पड़े, अपनी मातृभूमि के कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। मैं सोच रही थी क्या यह उस विराट सपने का अंत था, उस चैतन्य का विलीन हो जाना था और उस प्रखर और प्रज्वलित को समष्टि में समाहित हो जाना चाहता था, क्या ये उस तारे का दूर जाना था जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर मातृभूमि के कण कण को सुभाषित करना चाहता था, क्या उस महान लक्ष्य की यही नियति थी कि वह अपने ही आंदोलनकारी भाई बंधुओं के पैरों तले बेरहमी से मचला जाए। ये किसी शख्सियत का अंत नहीं बल्कि एक आदमकद सपनों का विलीन हो जाना था। तो अब ये कुछ अंश थे जो मैंने पाठ किया था, समझ आपको अच्छे लगे होंगे। अंत में मैं थोड़ा सा दो शब्द और जोड़ूंगी कि अगर मेरे दोस्तों का सानिध्य नहीं हुआ होता तो शायद ये कहानियों का सफर पूरा नहीं होता, ये तो बस आगाज है। मैंने अपनी लेखनी के क्षेत्र में ये मेरा पहला कदम है, इसके बाद मेरी एक दूसरी कविता संग्रह भी आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि सर के करगमलों से ही अगले आज मीटिंग में ही वो उसकी लोकार्पण का कार्यक्रम में रखवाऊंगी। मेरे मित्रों का सहयोग, मेरे सर का सहयोग और संजय जी का सहयोग जो मेरे हस्बैंड है, अगर वो ना होती तो शायद मुझे लगता है कविता का सफर और कहानियों का सफर आइए जी आइए आप प्लीज, इनके बगैर ये सफर पूरा ना होता, अगर ये मेरे सानिध्य में ना होते और ये इन्होंने मेरी प्रेरणा न दी होती इन्होंने, तो मुझे लगता है हर कदम पे इन्होंने मुझे प्रेरित किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए और आगे भी ये सफर जारी रहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेरित किया और करते रहेंगे। तो थैंक यू, उम्मीद है मैं अगली कहानी और अगली कविता